जो जैसा है उसको वैसा जानना, जो जैसा है वैसा नहीं जानते हैं, इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं। लेकिन जानने मात्र से भी काम नहीं बनेगा, उस जानने का प्रयोग करना होगा। विवेक की सार्थकता वैराग्य में होती है। केवल विवेक से काम नहीं बनेगा, विवेक चाहिए, आत्मा अनात्मा का विवेक, स्वपर का विवेक, बंध मोक्ष का विवेक। यदि विवेक नहीं है तो अनात्मा को हम आत्मा मान लेंगे, पर को स्व मान लेंगे, दुख को सुख मान लेंगे। तो पहले विवेक चाहिए। तो आत्मा अनात्मा का विवेक तो हुआ, स्व और पर का विवेक हुआ, लेकिन इतने मात्र से हम दुखों से बच नहीं सकते हैं। अनात्म और अनात्म को जानकर अनात्म के मोह का जब त्याग हो जाएगा, अनात्म से अनासक्ति हो जाएगी, तब दुख कटेंगे। और अनात्म से अनासक्ति हुई, अनात्म का मोह कटा, उसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य कुछ और थोड़ा है। अनात्म की अनात्म से अनासक्ति, यही वैराग्य है। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, वैराग्य कोई कपड़ा नहीं है, वैराग्य कोई वेश नहीं है, वैराग्य कोई बाहरी दिखावा नहीं है, वैराग्य निष्कामता है, अनासक्ति, निर्मोहता है। दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति के लिए वैराग्य चाहिए। सद्गुरु त्रिपुरम साहब ने कहा है, बिन वैराग्य न मुक्ति है, बिन वैराग्य न ज्ञान, बिन वैराग्य न भक्ति है, बिन वैराग्य न शांति। बिना वैराग्य के न मुक्ति होगी, न बिना वैराग्य के ज्ञान होगा, न बिना वैराग्य के भक्ति टिकेगी। वैराग्य के बिना तो नाश हो जाना, पतन होना है। ये भी बात भी गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, माता पिता घर द्वार छोड़कर साधु आश्रम में, साधु समाज में, गुरु की शरण में जो साधक आते हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी वैराग्य है। उसी के लिए हम आए भी हैं। अब उस पूंजी को हम कितना संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, कितना उसका प्रयोग कर पाते हैं, यह तो हम पर निर्भर करता है। जितना वैराग्य होगा उतनी निर्भयता होगी। जहां जहां हमारा राग है, जिस जिस प्राणी पदार्थ के लिए, वहीं वहीं से चिंता होती है, उसी उसी की खटक होती है और उसी के लिए भय होता है। जिन प्राणी पदार्थों के लिए हमारे मन में कोई राग या मोह नहीं है, उनके लिए ना कोई खटक है, ना चिंता है, ना महा न तो उसके छूटने का भय है। वैराग्य से ही निर्भयता आती है। वैराग्य में वा भयम, भद्रे जी ने कहा, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य में ही निर्भयता है और निर्भयता ही अमरता है।
किसी के छूटने का भय है तो समझना चाहिए हमारे मन में अभी राग बाकी है, और राग बाकी है तो दुख बाकी है। दुख से हम बचना चाहते हैं और राग को पकड़ कर रखना चाहते हैं तो दुख से हम बचेंगे कैसे? दुख से बचना है तो राग को छोड़ना पड़ेगा, और राग को छोड़ने का नाम ही वैराग्य है। तो बिन वैराग्य ना मुक्ति है, मुक्ति कर तक मरने के बाद ही नहीं, विदेह मुक्ति के बाद छोड़ दें, इसी जीवन में जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं, सारे द्वंद्वों से मन का ऊपर उड़ जाना, समता भाव में आ जाना, ये तो जीते जी मुक्ति का अनुभव है। बिना वैराग के ज्ञान टिकेगा कैसे? ज्ञान का अर्थ ही क्या होता है फिर? इसलिए चाहते हैं हम कि मुझे अपने आप को दुखों से बचा करके रखना है तो एकमात्र साधन वैराग्य। वैराग्य के बिना सारी साधनाएं बेकार चली जाती हैं। गुरुदेव जी ने लिखा है, वैराग्य सभी साधनाओं में सिर मुकुट है। मुकुट शोभा है, ऐसे सभी साधनों की शोभा वैराग्य। उसके बिना हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। अब कौन कितना वैराग कर रहा है नहीं कर रहा है हमें क्या मालूम? हमें दूसरे के वैराग को नहीं आंकना है, दूसरे के वैराग की कसौटी नहीं करना है, हमें अपने वैराग्य की कसौटी करना है। कितना कितना हमारा वैराग बढ़ रहा है, कहां कहां हमारा मन चिपका हुआ है, और यदि हम इस पर विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, तो खाते पीते जीवन हमारा बीतना है ही। पहले के जन्म बीत गए, वैसे आज के जन्म बीत गए। आज भी हम माता पिता घर द्वार भाई बंधु छोड़ करके आए, ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाएगा। अनेक बार यह बात कही जा चुकी है, आप सब जानते हैं, अनादिकाल की दुनिया में असंख्य बार हम मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं, असंख्य बार, और असंख्य बार मनुष्य धारण किए हैं तो असंख्य बार हम साधु भी बन गए हैं। एक बार की बात नहीं है, क्योंकि अनादि की कोई सीमा नहीं है। अनादि की दुनिया में कुछ ऐसा बाकी नहीं है जो हम नहीं बने होंगे। सब कुछ बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं, तो अनादि की दुनिया में असंख्य बार साधु भी बने, महंत भी बने, गुरु भी बने, आचार्य भी बने, सब कुछ बने, लेकिन हमारा दुख जहां के तहां, छुटकारा नहीं हुआ। क्यों?
असंख्य बार साधु बनने के बाद भी जो काम हमें करना चाहिए था वह काम हम नहीं किए, इसलिए हमारा असंख्य बार का साधु बनना बेकार चला गया। तो आज कभी बेकार चला जाएगा, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को यहां के, इतना मतलब ये नहीं यहां जो साधु वेदधारी बैठे हैं उनको, मनुष्य मात्र को वैराग की आवश्यकता है। क्योंकि केवल साधु को थोड़े दुख से छूटना है, गृहस्थों को भी तो छूटना है। गृहस्थ अपने ढंग से वैराग करे, जहां हैं वहां उतने ढंग से जितना निष्काम रहेंगे, निर्चार रहेंगे, अनासक्त रहेंगे, मुंह छोड़ करके काम करेंगे तो व्यवहार का गृहस्थी काम बढ़िया बनेगा और मन बहुत व्यवस्थित और शांत बना रहेगा। केवल एक वैराग्य को संभाल करके रखें, बस सब कुछ संभला हुआ हो जाएगा। हम सदगुरु कबीर के साखी कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, वह हम कहते हैं भी कि एक साधे एक मन को साध लो सब साध जाएगा। वैसे हम यहां भी कह सकते हैं एक साधे सब साधे एक बैराग को साध ले सब साध जाएगा, और सबको साधे खूब ज्ञान प्राप्त किए, खूब बड़े विद्वान बन गए, खूब बड़े प्रवक्ता बन गए, खूब बड़े लेखक बन गए, खूब बड़े गुरु और मंडलेश्वर बन गए, बैराग नहीं साध पाए तो सब साधना बेकार चला जाएगा। केवल वैराग को पकड़ करके रखना है। सब काम हमारा बन जाएगा। बिन वैराग सब कोई दुखी, बिन विवेक सब कोई दुखी, तो हम कह सकते हैं बिन वैराग सब कोई दुखी कह सकते हैं। वैराग बिना नहीं जाए दुख, दुख से बचना है तो वैराग लेना ही पड़ेगा। जीवन कुछ ऐसा है, अनेक पदार्थों का प्रयोग करना होता है, मजबूरी है। लोगों से व्यवहार करना भी हमारी मजबूरी है, लेकिन पदार्थों का प्रयोग करते हुए, लोगों के बीच रहते हुए, सेवा भक्ति व्यवहार का काम करते हुए, कहीं हमारा मन बंधने ना पाए, इसका हमें ध्यान रखना है। जहां बंधे वहीं दुख मिला, नहीं बंधे हैं तो चाहे एक के साथ रहे चाहे सौ के साथ रहे कहीं दुख नहीं है, और बंधा है मन चाहे अकेले रहो तो दुख से छुटकारा नहीं होगा। तो वैराग्य, अनासक्त निष्कामता, ये हमारी साधना है और इसी पर हम लोगों को जोर देना है। साहब आप कुछ करना है बुला करके, हम बिछा दे फिर थोड़ा और बाद में और कुछ हो जाएगा। कुछ बिछाने भी चाहिए ना, हाँ आज अजय, रविंद्र, अनिल, वेदानंद, भोला, पुरुषोत्तम, मित्रीलाल, धनंजय, इन लोगों का साधु वेश होना है और आशीष का ब्रह्मचारी वेश होना है। तो लोग यहाँ आ जाए।
मुनि लाओ कपड़े डालते हैं, फिर क्या करना था, आप कैसे किया जाता है हैं? उपदेश तो कपड़ा पहने बात की पहले है, पहले है अभी बात आई थी कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति एकमात्र वैराग्य से हो सकती है। वैराग्य मन की अनासक्ति अवस्था है। जितना जितना हमारा मन अनासक्त होता जाएगा उतना उतना हम दुखों से मुक्त होते जाएंगे। साधु मार्ग में जब कोई साधक आता है तो पहले तो कुछ दिन वैसे ही रहता है, जिस कपड़े में वो घर में रहता था उसी कपड़े में। कुछ दिन के पश्चात उसका एक ब्रह्मचारी वेश होता है, संस्कार। उसमें रह करके वह सेवा स्वाध्याय साधना का काम अपने अपने ढंग से करता है। फिर कुछ वर्षों के पश्चात एक बैराग का वेश मनाता है, साधु वेश। और साधु वेश को मृतक का वेश माना जाता है। मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कफनी कौपिन। सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है गुरु द्वारा साधक को जो अचला और एक लंगोटी दी जाती है कौपिन, वह मृतक का चिन्ह है। आदमी जब मर जाता है तो कोरा कपड़ा बिना धुला हुए उसे ओढ़ा दिया जाता है, क्योंकि मर गया वह, कफन ओढ़ लिया। ये बात तो गुरुदेव जी कहा करते थे और वो जानते हैं, बहुत पहले की बात है। जब वहां प्रीतम नगर में रहते थे, एक दिन दोपहर के बाद गुरुदेव जी शायद अकेले ही छड़ी लिए और निकल गए या कोई पीछे और आ रहा है। ये बुपकरपुर गांव के पास आए थे, उसे गुजर रहे थे तो कुछ युवक उधर से गुजरे। अब साधु का कपड़ा तो सफेद, तो गुरुदेव जी को देख करके उन युवकों ने कहा बाबा को कफन की जरूरत नहीं, पहले से ओढ़े हुए हैं। तो ये सफेद कपड़ा कफन माना जाता है और कफन मुर्दा को ओढ़ाया जाता है। सद्गुरु विशाल साहब यही कहते हैं मृतक चिन्ह तो जानिए गुरु कफनी कौपिन। कफनी कफन मतलब अचला, कफनी कौपिन लंगोटी, ये मृतक का चिन्ह है। चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत्यु लय लीन। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस मुर्दा शरीर को चिता में लिटा दिया जाता है और लिटाकर चिता में आग लगा दी जाती है। लकड़ियां जलती हैं, मुर्दे के अंग भी जलते हैं, तो मुर्दा डर करके भागता नहीं है कि मेरे हाथ पैर जल रहा है, मैं इसमें जल जाऊंगा, और उसी में निश्चेष्ट पड़ा रहता है।
चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत्यु ले ले। चिता भूमि डिगता नहीं, शेष रूप में पड़ा रहता है। ये तो मुर्दे की बात हुई। हम लोग भी एक प्रकार से मुर्दा हो गए हैं। वैसे देखा तो गुरुद्वारा कपड़ा मिल गया साधु का तो, लेकिन मुर्दा में और साधु में अंतर का है। साधु तो शरीर तो नहीं मरा, साधु तो जीवित है। उसके लिए सदगुरु कहते हैं वहां देह चली जीव चला, यहां जप्त मन त्याग, सबसे रहे उदात है मोक्ष पंथ मेला। वहां कोई मनुष्य मर गया तो जीव शरीर को छोड़ करके चला गया। अब वह जीव उसी शरीर में लौट करके पुनः नहीं आ सकता। एक बार जीव शरीर छोड़ देता है तो सदा के लिए छोड़ देता है। यहां क्या करना है? यहां जप्त मन त्याग, मन से संसार को त्याग देना है, छोड़ देना है। संसार को छोड़ने का अर्थ क्या है? निष्काम हो जाना, अनासक्त हो जाना, उपराम हो जाना। शरीर है, शरीर ही संसार है। यदि ये शरीर रूपी संसार न होता हमारे पास तो हमें बाहरी संसार की क्या जरूरत पड़ती? प्रारब्ध कर्म का भोग चल रहा है, इसलिए जब तक यह शरीर रूपी संसार है तब तक हमें बाहरी संसार की आवश्यकता पड़ती है, इससे हमारा संबंध बना होता है। लेकिन संबंध बना होने पर भी मन से हमें इसका राग त्याग देना है। देह की, शरीर की सार्थकता है, इस शरीर में रहते रहते शरीर के मोह को, शरीर की आसक्ति को छोड़ देना। संसार में रहने की आवश्यकता है, संसार संबंध बनाने की आवश्यकता है, संसार में रहते रहते संसार के मोह आसक्ति को छोड़ देना, बस मुर्दा हो गए। सबसे रहे उदास है मोक्ष पंथ मेला। सद्गुरु कहते हैं सबसे उदास हो करके, उदासीन का मतलब तटस्थ, जैसे सद्गुरु कबीर ने कहा ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो यहां दोस्ती और बैर का अर्थ है राग और द्वेष, मोह और बैर। हम किसी से राग किए तो बंध गए, किसी से द्वेष किए तो बंध गए, मोह किए तो बंध गए, बैर किए तो बंध गए। तो उदास चिंता का अर्थ है, उदास होने का अर्थ है न मोह न बैर, न राग न द्वेष, सबसे प्रेम का यथोचित व्यवहार, सबसे रहे उदास है मोक्ष पंथ मेला। सद्गुरु कहते हैं सबसे उदास होकर, उपराम होकर मोक्ष का जो पंथ है उसमें समर्पित हो जाना। लगने का मतलब समर्पित हो जाना कि मुझे इसी जीवन में अपना कल्याण करना है, अपने आप को दुख मुक्त बनाना है। वैराग्य मार्ग हम आए हैं, सद्गुरु संतों की शरण में हम आए, क्यों आए, किस उद्देश्य से आए? किसी किसी को छोड़ दो, कोई बिरला जो केवल खाने पीने के लिए, पेट भरने के लिए, सुविधा पाने के लिए साधु मार्ग में आता है। नहीं तो साधु मार्ग में जितने भी आते हैं, चाहे वो किसी मतपंथ के साधु मार्ग में हो, कल्याण के लिए आते हैं। कोई लोग कहते हैं हम भगवान पाने के लिए आए हैं, स्वर्ग पाने के लिए आए हैं, बात वही है।
जितने भी साधु मार्ग में आते हैं सबका एकमात्र उद्देश्य होता है कल्याण की प्राप्ति। उसी को हमें याद करते रहना, उसी को हमें पकड़ करके रखना है। वो हम पकड़ कर रख लिए, उसको याद किए, फिर और कुछ याद हो जाना हो हमारा काम बन जाएगा। और वही भूल गया, बहुत कुछ मिल गया तो कुछ नहीं मिला, फिर कुछ काम नहीं बनने वाला है। बैराग की परिभाषा देते हुए सद्गुरु मित्तल साहब ने कहा, पंच विषय जग राग तज अपन परार विसार, शिथिल करे अध्यास को देह मोह को जार। वैराग्य क्या है? पंच विषय जग राग तज, पांचों विषय, पांचों विषय ही संसार है। संसार क्या है? पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों में पूरा संसार आ जाता, कुछ बाकी नहीं रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते हो जो इन पांचों विषयों से बाहर हो। ये पांचों विषय ही संसार है। सद्गुरु कहते हैं इनके राग को छोड़ो। ये नहीं कहा जा रहा है कि पांचों विषयों को छोड़ो, पांचों विषयों को छोड़ा ही नहीं जा सकता। जब तक जीवन है देखना पड़ेगा। अनेक प्रकार के शब्द हैं जो सुनना ही पड़ेगा, खाएंगे तो स्वाद लेना आएगा ही आएगा, गंसुगन का ज्ञान भी ग्रहण कर, गंसुगन का ज्ञान भी होगा, कठिन कोमल शीत उष्ण का स्पर्श भी होगा। पांचों विषयों का सर्वथा त्याग संभव कैसे है? जीवन निर्वाह के लिए इन पांचों विषयों की हमें आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु ये नहीं कहते तुम पांचों विषयों का त्याग करो, ये कहते हैं पंच विषय जग राग तजी, राग का त्याग करना वैराग है। विषयों का त्याग वैराग्य नहीं है। विषयों के त्यागने की बात क्यों कही जाती है? जब हम राग पूर्वक सुख मान करके विषयों को ग्रहण करते हैं वो बंधन का कारण बनता है। मात्र जीवन निर्वाह के लिए सेवा के लिए विषयों का प्रयोग करें तो बंधन का दुख कारण नहीं बनेगा। सुख मान मान करके, इस विषय में सुख है, इस विषय में सुख है, जब सुख मान करके विषयों को भोगते हैं वो बंधन का कारण बनता है। तो पांचों विषयों के राग का त्याग वैराग है। और क्या है? अपन परार विसार, अपन और परार को विसार देना है। लेकिन जब तक जीवन यात्रा है तब तक कुछ अपना मानना पड़ता है, कुछ पराया मानना। ये हमारा आश्रम है, दूसरे का आश्रम है, ये मेरा कपड़ा है, वो दूसरे का कपड़ा है, ये मेरा बिस्तर है, दूसरे का बिस्तर है, ये तो मानना पड़ेगा। बिहार में कुछ अपना मानना पड़ता है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक अपना मानना और पराया मानना, फिर वही मोह और बैर आ गया। दृढ़ता पूर्वक अपना मानेंगे तो मोह हो जाएगा, दृढ़ता पूर्वक पराया मानेंगे तो बैर हो जाएगा। तो दृढ़ता पूर्वक जो हम मान्यता बना लेते हैं कि ये मेरे हैं ये पराये हैं, वो बंधन कारण करते, इसको साहब कहते हैं भुला दो और शिथिल करे अध्यास को देह मोह को जार। देह के मोह को जलाकर इसका जो अध्यास अंतकरण में जमा हो उसको शिथिल करना है। अध्यास शिथिल हो गया, अध्यास समाप्त हो गया तो शरीर में रहते रहते मुक्ति है। देह का मुंह हमें भटकाता है। किसी भी भोग के प्रति जो हमारी ललक होती है उसके मूल में है देह का मुंह। जितनी देहाशक्ति होगी उतनी विषयाशक्ति होगी, उतना बाहर का आकर्षण होगा। ये बात तो अनेक बार कही जाती है, सभी संतों का ये कहना है। साधु मार्ग में आने के बाद हमारे मन में ये जो लालसा हो जाती है कि मेरा नाम खूब दूर दूर तक फैले, लोग मुझे खूब जाने, मेरी खूब प्रतिष्ठा हो, यह भी भयंकर देहाशक्ति का परिणाम है।
नाम किसका होता है? देह का नाम होता है। पूजा किसकी होती है? देह की होती है। प्रतिष्ठा किसकी होती है? देह की। आरती किसकी? देह की। आत्मा की आरती होती है क्या? कि आत्मा की पूजा होती है, आत्मा की प्रतिष्ठा नहीं है। देह के जो नाम और रूप है उसकी पूजा, उसकी आरती, उसकी वंदना, उसकी प्रतिष्ठा। और ये अधिक अधिक है, अधिक अधिक लोग मेरी आरती करें, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा नाम फैले, भयंकर देहासक्ति है। काम भोग की आसक्ति छूट जाती है, लेकिन ये देहासक्ति नहीं छूट पाती है। सदगुरु कहते हैं देह मोह को जा, देह के मोह को जलाना है। देह के मुंह को जलाना है, वो कैसे जलेगा? वैराग्य, समझ द्वारा। बस इसे हमें समझना पड़ेगा कि शरीर मिला है सेवा और साधना के लिए। दूसरों की जो बन सके सेवा कर देना है और अपनी दुख निवृत्ति के लिए साधना करना है, बस। इस देह की उपयोगिता सार्थकता केवल सेवा और साधना में है। जब हम इसे भोग का साधन मान लेते हैं तो देह बंधन का कारण बन जाती है। इस देह को हम भोग का कारण न माने, भोग का साधन न माने, किंतु सेवा और साधना का कारण माने, सेवा साधना के लिए इसका प्रयोग करें। और विषयों का ध्यास, देह का जो ध्यास अंतःकरण में जमा है, उसको धीरे धीरे शिथिल करते जाना है। जितना हमें आत्मबोध होगा, समझ होगी, हमारा मन अंतर्मुख आत्मलीन होता जाएगा और विषयों से उपराम होता जाएगा, उतना ही देह का ध्यास शिथिल होता जाएगा। इसी के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, इसी से दुख निवृत्ति होगी और इसी के लिए ही एक साधु वेद की आवश्यकता होती है कि मानो आज हम दुनिया से मर रहे हैं, लेकिन वैराग्य का अहंकार हो जाता है, दुनिया और सामने खड़ी हो जाती है। किसी का भी अहंकार नहीं करना है। गुरुदेव जी प्राग आ करते हैं, साधना का पथ विनम्रता का पथ है, वैराग का पथ विनम्रता का पथ है। वैराग और विनम्रता, सेवा परायणता, ये तीनों जितने बने रहेंगे उतना हम कल्याण मार्ग में बढ़ेंगे और इसी जीवन में हम अपने आप को दुखों से बचा सकेंगे। अब क्या करना है? पहले तो कपड़ा हो गया, हटा दो। सहे करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग ते दुख को तुम सुख ही विचारो, ते दुख को तुम सुख ही विचारो, हो या विराग जवन विधि बनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग परम विराग मन ही बस करके, परम विराग मन ही बस करके, हो ये कठोर विषय नहीं लसता, करो विराग करो मन दृढ़।
करो बेराग, तन सुख चाहो न मन बस भरमाओ, तन सुख चाहो न मन बस भरमाओ, भय बस कब हो नन जहित तजता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग विघ्न होय सो सहो काज लखे, विघ्न होय सो सहो काज लखे, परो न फंद जगत जीव छलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग है सब भूल बेबस मन गरजे, है सुख भूल बेबस मन गरजे, धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग है कोई अपन तुम्हारन जग में, है कोई न तुम्हार जग में, ते ही ते सजग चलाओ मग लखता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग राग तजन पुरुषार्थ करो तुम, राग तजन पुरुषार्थ करो तुम, प्रारब्ध भोग में दुख सुख टलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग छोड़े कुकर्तव्य भय नहीं कलहु कालहु, छोड़े कुकर्तव्य भय नहीं कालहु, निर्भय काज करो तुम सतता, करो विराग दृढ़ता, करो विराग दुख सुख कर्म निज ही से होवै, और न जीवन जड़ कोई लगता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग या ते अभय स्वतंत्र सहज निच, या ते अभय स्वतंत्र सहज निज, करो समरया ज्ञान से हटता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग काल अज्ञान समर रण जीतो, काल अज्ञान समर रण जीतो, सब बल लाय शक्ति को बंधता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग छूट जाए सब फिक्र परिश्रम, छूट जाए सब फिक्र परिश्रम, भय दुख बहोरे कबाहो नहीं मिलता,
करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग राग द्वेष पर परतंत्र से छूटे, राग द्वेष परतंत्र से छूटे, स्वतंत्र स्वरूप आप तब लहता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग जन्म मरण दुख खाने न भिन्न सै, जन्म मरण दुख खाने न भिन्न से, अचल अमर पद फलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप ले पूजिए, बाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महादीजिए, कर जोर करो मैं स्तुति गुरु तरण तारण दयाल हो, क्षम करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल हो, आप पारख रूप साहेब जानते सब माहे की, मैं करमी जीव सद गुरु नाही हा कछु लायके, गुरु करता हाँ मैं विनती जो सुनिए दीन नाथ की, अदम उदारण भवहारण जीवन करत सनात की, जगत स्वामी अजीत साहेब पारख गुण को, गई सके दया क्षमा दे हो जिन में आपको सो लही सके, मोम सदगुण नाही साहेब लहू मैं कैसे, आपको बार बार मैं करत विनती शरण लीजय दास को, शरण शरण मैं शरण हाँ कहत बने कछु नाही जानत हूँ, सबके ये सर्वोपरि गुरु मान करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए, भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, बहु राग द्वेष ही ग्राहयुत परवाह में बहते हुए, निज नाम जाज बैठाय के भवधार पार लगाइए, करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए, भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गार है, सबका बता कर सार या सार है।
शोध कराइए, करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, कामादि खल दल संग है सत मार्ग में आड़े खड़े, गुरु ज्ञान यश प्रदान करते मार चार मिलाइए। करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक पत्र पुष्प स्वीकारिये। करुणा निधि स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी तुम्हारे, दर्श से संकट कटत है तुम्हारे, दर्श से संकट कटत है, भर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, संत स्वरूपी आप कृपा निधि, संत स्वरूपी आप कृपा निधि, खोलत भरम की वारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, जिन दर्श सुख दियो दया करी, जिन दर्श सुख दियो दया करी, आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, पूरण परख बिहारी गुरु जी तुम्हारे, पूरण परख बिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान या
भांति ज्ञान आधार विवेक की भांति सुरत जोत जा जागे साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दयाल साहेब आरती हो आरती करो सदगुरु साहेब की आरती करो सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो ना गुरोरधिगम तत्त्वम् ना गुरोरधिगम तपः गुरो ज्ञानात् परम् नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं तुम्हें ही बता दो वीराना सहारा भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं मात पिता गृहदार में बहु दुख धार्यो मात तेही दुख से मोहि काढ़ के तुम ही लायो नाथ तुम्हारे सहारे खुली दृष्टि मेरी तो है आज तेरे सिवा को हमारा भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं आंख तू फूटे नहीं जो प्रभु प्रेम न रोए पापी उर नहीं फाटता गुरु से नेह बिगोय जगत सिंधु में बस हमारे आधारे जगत सिंधु में बस हमारे आधारे तुम्हें प्राण रक्षक दिलों से प्यारा भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं तुम्हें ही बता दो वीराना सहारा भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं
नित मिले मुझको विपुल, तुम संग मिला न कोई। जहर देह मन हरण करी, अमृत शांति समूह। तभी भी अगर जो उपकार भूलूं, तभी भी अगर जो उपकार भूलूं, तो है कौन पापी हमें तज परारा। भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं, तुम्हें ही बता दो बिराना सहारा। भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं, अंतर्यामी नाथ हो बहुत कहूं मैं का। मिलन छुटन तन धर्म है, बस ये उर के मां। मलिन दीन अभिलाष के देव सूरत, तुम्हें त्याग करना, तुम्हें त्याग करना हमारा गुजारा। भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां मैं।